दोस्तों, हिस्टोरिकल फिल्म्स की बात करें तो जो करंट सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी मायने रखता है। आप भारतीय भारतीय सिनेमा की हिस्ट्री अगर आप देखें तो कुछ जो कि 100 साल के ऊपर है, जो ज़्यादातर हमने देखा गया है कि जो खासकर इस्लामिक रूल का रिप्रेजेंटेशन है, इट्स बीन रिप्रेजेंटेड इन अ वेरी पोर्ट्रेड इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। और कैसे कि उनकी बहादुरी की कहानी, यू नो दोज हीरोज दोज फिगर्स हैव बीन मेड इनटू लार्जर देन लाइफ हीरोज, जैसे जोधा अकबर, और या फिर जो उनकी लव स्टोरीज है उन्हें भी एक हैज़ बिकम द स्टफ ऑफ रोमांटिज्म फॉर बॉलीवुड रोमांटिक्स। खैर, लेकिन 2014 के बाद एक मैं कहूँगा देश में एक नई वेव आई है। देर इज़ अ सेंस ऑफ हिंदू प्राइड, सर्टेन सेंस ऑफ हिंदू नेशनलिज्म विच जो एक उभर के आई है। और एक ऐसी शायद सोच है कि हमें अपने इतिहास को बदलना नहीं, लेकिन इट हैज़ टू बी एक सर्टन रीजिक करने की ज़रूरत है। एंड दैट यू नो वी शुड रीटेल आवर हिस्ट्री फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, जब हमारे मुल्क का नाम भारत था। और वैदिक यू नो स्कॉलर्स टेल कि हमें अपनी वैदिक टाइम से हिस्ट्री बतानी चाहिए। और मुझे याद है मशहूर हिस्टोरियन विक्रम संपत, उन्होंने कुछ साल पहले एक सभा में कहा था दैट इंडिया नीड्स टू रिक्लेम हर हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली। एक वो सिंपल सा शब्द था, सिंपल सा सेंटेंस था, लेकिन उसके डीप मीनिंग बड़े डीप थे। और फिर 2021 में एक वेब सीरीज आई थी डिज्नी हॉटस्टार पे, नाम था जिसका द एम्पायर, जो मुगल राज के ऊपर बेस थी। हमने वो वेब सीरीज नहीं देखा, लेकिन जो उसके जो शो क्रिएटर थे या जो अब क्रिएटर है कबीर खान साहब, उन्होंने एक बयान दिया दिया था कि द मुगल्स वर द ओरिजिनल नेशन बिल्डर्स। अब इस बयान को लेके काफ़ी विवाद हुआ था, लोगों की काफ़ी ट्रोलिंग की गई थी। हमने वो सीरीज़ देखा नहीं, लेकिन उस सीरीज़ का जो हशर हुआ वो सबके सामने देखने को लायक है। तो खैर, ऐसे माहौल में मैं कहूँगा कि जहाँ पे एक शायद इस्लामिक और जो हमारी ब्रिटिश हिस्ट्री है, आज का जो शायद भारतीय युवा है वो उस इरा से अपना आप या उस हिस्ट्री से अपना आपको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता है, तो ऐसे माहौल में कोई एक वेब सीरीज लेके आता है जिसका नाम है ताज और डिवाइडेड बाय ब्लड, तो जाहिर है यू नो आईब्राउज विल बी रेस्ड। और ये बड़ा ही ब्रेव डिसीजन लिया है Z5 और कॉन्टिलो पिक्चर्स ने, जो ये वेब सीरीज को ला रहे हैं, ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, विच विल स्टार्ट स्ट्रीमिंग फ्रॉम थर्ड ऑफ मार्च। इसके ट्रेलर लॉन्च पे हम पिछले हफ्ते गए थे और हमें तो वही एक क्यूरोसिटी थी कि कैसे इस माहौल सोशल पॉलिटिकल माहौल में किसी ने ये हिम्मत की है। Z5 की जो हेड ऑफ हिंदी ओरिजिनल्स की जो हेड है निमिषा पांडे की, उन्होंने हमसे कहा कि ये कोई ब्रेव नहीं है, बस ये सीरीज एक प्रयास है ये दिखाने के लिए कि उस परिवार का, मुगल परिवार कि उसमें उस परिवार ने कितना रायता फैलाया। जब आप ट्रेलर देखेंगे तो शायद आपको एहसास होगा कि निमिषा जी वो बिल्कुल सत्य कह रही है। और एक जो मैं कहूँगा ट्रेलर देखने के बाद ये है कि जो एक रिप्रेजेंटेशन जो हमें दिख रहा है ट्रेलर में, शायद आज से पहले हमने पहले कभी हिंदी या इंडियन सिनेमा में ऐसा देखा नहीं है। तो दरअसल ताज, सबसे पहले तो क्लियर कर दूँ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद ताजमहल या शाहजहाँ, वो किस्सा तो हिस्ट्री का बाद में आया था। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड इज़ बेस्ड इन द टाइम्स ऑफ एम्परर अकबर प्लेड बाय नसरुद्दीन शाह। और अकबर बादशाह वो अपने उत्तराधिकारी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो फैसला लेते हैं कि आज के बाद या आज से जो अगला सक्सेसर होगा वो खून से नहीं बल्कि काबिलियत से चुना जाएगा। अब इसके दावेदार तीन लोग हैं। सबसे पहले है शहजादा सलीम, दैट्स प्लेड बाय आशिम गुलाटी। और ये जो शहजादा सलीम है, जो हमने फिल्मों में देखा है, मुगले आजम में जो दिलीप कुमार साहब का कैरेक्टर देखा था, और फिर आई एम श्योर बाकी वेब बाकी टीवी सीरीज या फिल्मों में भी, ये उससे काफ़ी हमें विपरीत लग रहा है। बिकॉज यहाँ का जो सलीम दिखाया गया है वो बहुत ही एक एरेगेंट आदमी है और एक अय्याश है। उसे तो बस अपनी हुक्का, अपनी शेर शायरी और अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी में उसे इंटरेस्टेड है। एक लड़कीबाज भी है वो है, और वो कहते भी हैं कि उन्हें कुछ तख्त में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तो बस शेर शायरियों में इंटरेस्ट है। और फिर दूसरी और एक है, दूसरे बेटे हैं मुराद शाह, दैट्स प्लेड बाय ताहा शाह बदू शाह। और मुराद शाह का बस एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है दैट ही इज़ ईवल, ही इज़ प्योर ईवल। वो इस तख्त को चाहते हैं और इसको पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर एक और एक कैरेक्टर है दानियाल, अनदर सन, दैट्स प्लेड बाय शुभम कुमार मेहरा। और ये कैरेक्टर बस ऐसा है कि इसके जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है वो थोड़े हटके हैं अपने भाइयों से। और तो आई थिंक ये जो तीनों भाइयों का जो मैं कहूँगा एक ट्रेलर में देखने का जो हमें कैरेक्टर लग रहा है वो बिल्कुल विपरीत है। खैर, मुराद और दानियाल मेरे ख्याल से तो एटलीस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये दोनों कैरेक्टर को तो हमने पहले शायद इतना देखा नहीं है इन आर अर्लियर फिल्म्स या टीवी सीरीज। बट हाँ, शहजादा सलीम वो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो शायद आज तक हमने देखा ना हो। तो ये तीनों भाई बिल्कुल अलग है, पोल्स अपार्ट है। और
बस एक डायलॉग है कि कैसे कि सल्तनत कभी कभी एक सल्तनत हटाने के लिए एक ईट ही काफ़ी रहती है. सो दिस ईट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अनारकली दैट्स क्रिएट बाय अदिति राव हैदरी. और अनारकली की कहानी तो खैर हम मुगले आजम से आइडेंटिफाई करते हैं. मैं बस इतना कहूँगा कि ट्रेलर में एक इंटरेस्टिंग डायलॉग है जहाँ पे अकबर बादशाह नसीरुद्दीन शाह साहब वो अनारकली से कहते हैं कि आप ये मत भूलो कि आप असल में किसकी हो. तो खैर ये डायलॉग ऑब्वियसली आपको एक अकबर के कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल खड़े कर देगा. और अनारकली की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो भी एक सिर्फ काल्पनिक है, एक कंजेक्चर है. लेकिन मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग बात ये रहती है कि जब बात आती है हमारे एपिक्स की, रामायण महाभारत या एंशियंट भारतीय हिस्ट्री की, तो उसे अक्सर फिक्शन या उसे एपिक में डाल दिया जाता है. लेकिन जब बात आती है कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें रिलेटेड टू आवर इस्लामिक रूल और इवन सम टू द ब्रिटिश, तो उसे अक्सर कंजेक्चर में डाल दिया जाता है. खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि फिक्शन हो या ना हो, बट एक कहना पड़ेगा अनारकली इज़ एन आइकॉनिक कैरेक्टर. और अदिति राव आई थिंक उन्होंने पद्मावत में मेहरून ईसा का कैरेक्टर प्ले किया था. दिस इज़ ऑब्वियसली समथिंग अ न्यू टेरिटरी. और ट्रेलर में उनके ज़्यादा कुछ डायलॉग इतने हैं नहीं मेरे ख्याल से, बस हाँ ये कि वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है. और वो तो जब सीरीज़ आएगा तब हमें पता चलेगा कि कैसा है. हाँ बट ये है कि इस परिवार में चाहे वो अकबर हो, उनके बेटे हो, शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल एंड अनारकली, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका जो रिप्रेजेंटेशन है आई थिंक इट सीम्स टू बी वास्टली डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैव सीन बिफोर. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सीरीज की ये है कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो एक विदेशी आदमी, एक ब्रिटिशर है, उनका नाम है रॉन स्कैल्पेलो. इनके बारे में हमने ज़्यादा कुछ सुना नहीं है, बट जो थोड़ा बहुत हमने इनका पढ़ा, ये एक टाइम पे बीबीसी के इन हाउस डायरेक्टर थे. अब खैर आजकल तो हम भारत में बीबीसी प्रेम चल ही रहा है. खैर जो शो से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना था कि ये एक विदेशी डायरेक्टर का होना शायद वो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव देंगे. अब जब सीरीज आएगा तब हमें इसका पता चलेगा. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि शायद मे बी द ओनली कैरेक्टर इन दिस सीरीज जिसका शायद हमें कैरेक्टर को लेके कोई सवाल नहीं खड़े करने पड़ेंगे वो है शेख सलीम चिश्ती, जो उस दौर के मशहूर सूफी सेंट थे. और ये दिस कैरेक्टर इज प्लेड बाय वेटरन एक्टर धर्मेंद्र जी. और उनका बड़ा एक डायलॉग है उसमें और कि जब जब दरिया का रंग लाल होगा तो मुगलाए खून बहेगा. देखना पड़ेगा कि चिश्ती साहब का इसमें क्या रोल है, धर्मेंद्र जी का या जो चिश्ती सलीम चिश्ती का कितना रोल है इस सीरीज में. ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आज के दौर में ऐसा कोई कंटेंट आएगा तो जाहिर है उससे जो हमारे हिंदू नेशनलिस्ट है वो भी बड़े गिद्ध की नज़र से देखेंगे. लेकिन दूसरी ओर जो हमारे मैं कहूँगा जो देवबंद और बरेलवी के जो स्कॉलर्स हैं या फिर जेएनयू के हमारे स्कॉलर्स और लुटियंस के हमारे लेफ्ट लिबरल्स एंड इवन आई वुड से सर्टन अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट, तो वो भी बिल्कुल गिद्ध की नज़र से इस वेब सीरीज़ पे अपनी नज़र रखेंगे. और अगर उन्हें लगा कि शायद इसमें कुछ डिस्टॉर्शन या कुछ किया गया तो आई एम श्योर दिस फिल्म विल क्रिएट दिस वेब सीरीज विल क्रिएट सोशल एंड इट विल ट्रिगर सोशल एंड पॉलिटिकल कन्वर्सेशन. खैर जब इसका इस अब ये कितना अच्छा है ये कितना बुरा है ये तो जब सीरीज़ आएगा तब पता चलेगा. और आई एम श्योर आई थिंक हमें बड़ी दिलचस्पी है ये सीरीज़ देखने में. इन एक्टर्स नसीरुद्दीन शाह, अदिति राव को छोड़ के बाकी एक्टर्स के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, बट इतना ज़रूर शायद हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ के बाद जो एक नया इतिहास रचा जाएगा इन टर्म्स ऑफ मुगल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन एंटरटेनमेंट स्पेस.